पापा माफ करिए पापा, भारी मिस्टेक हो गया पापा, गलती हो गया पापा, पापा पापा तो लग जाएगा पापा, लग जाएगा पापा, बहुत मन लग पड़े पापा, पापा माफ करिए पापा, माफ करिए पापा। पापा ये साला सपना में भी पीछा नहीं छोड़ते। रिजल्ट अनाउंस्ड, पूरा ग्रुप फेल। प्राउड मोमेंट फॉर अस, झा जी के बेटे बने झाटू। जस्ट 3 days left, I'm so excited for मनाली। अरे भरमा का बताएं, रील पे मैं तोहरा बोलने से मना का किए, शर्मिला फोन उठाना छोड़ दिया हमारा। और आजकल का लड़का लोग को भी पता नहीं का हो गया है। इंस्टाग्राम पर किसी बुड्ढे बाबा के साथ सब स्टोरी डाले जा रहे हैं, समझे नहीं आ रहा है कि औलाद उस बाबा की है या हमारी। अरे वो हमारे अमेरिका वाले बर्निया चाचा हैं, तुम नहीं समझोगे, हम तो अभिनव का बात कर रहे थे। 12 बजे तक सोए रहते हैं चादर तान के, हम कहते हैं कि पूजा में ध्यान दो तो कहते हैं हम तो पूजा अर्चना प्रियंका प्रीति सब में ध्यान देते हैं, और कमरा पे पोस्टर तो ऐसा ऐसा लगा रखे कि हम क्या बताएं, राम राम राम। और बाल और कपड़ा में ऐसा बवासीर कर दिया है, लगता है जैसे कौवा सोच गया। अच्छा भर में हम घर पहुंच गए, अब टाइम हो गया हमारा कचरा उठाने का। कचरा, अभिनव, अभिनव, अरे सुते पड़े रहते हो पूरा दिन, ओ अभिनव। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आखिर को सोड़ोगे का? काने ना टक पाले हो। जय श्री राम पापा, आशीर्वाद दीजिए हमको। पापा क्या है कि हम लोग बहुत दिन से क्वालिटी टाइम बैठ के स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं दोनों बाप बेटा, तो हम सोचे कि आज थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हम भी सोच रहे थे कि तुमको घोड़ा बनाकर थोड़ा चाबुक मारा जाए। क्वालिटी टाइम, पहले अपना क्वालिटी सुधारो। चाचा बता रहे थे पिछली बार आए थे तो बाथरूम में शैम्पू फैला हुआ था, फिसल के गिर गए हो। अरे शैम्पू थोड़ी था, चप्पल थोड़ी है, दिमाग अपना सही रखा करो नहीं तो सूद देंगे कोई दिन पकड़ के। आपको अचानक ही लालचा का बात कैसे याद आ गया पुराना? का है, तुमसे परमिशन लेके याद किया करें, हमारा फैमिली है, आ रहे हैं आज तुम्हारे लाल चाचा और जतिनवा। क्या चाचा जतिनवा आ रहा है? जतिनवा भी आ रहा है साथ में। मैं मत, तुमको सब पता है ये पूजा पाठ साफ सफाई का नाटक का हो रहा है। हमको माफ कर दीजिए पापा, हम आपको बताने वाले थे लेकिन उससे पहले ही क्या हमको सब पता चल गया, हम देख लिए कोटेशन बुलेट का तुम्हारे डेस्क पे। प्रीति छोड़ कर गई तो ज्यादा कबीर सिंह मत बनो, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती मुंह धनिया चलाएंगे बुलेट। यही तो बात था पापा, आप एकदम सही पकड़ लिए, हर बार आप पकड़ लेते हैं पापा, आपसे कुछ छूटता ही नहीं। वही सोचते हैं पहले थोड़ा बॉडी वॉडी बनाए, एक्सरसाइज करें तब जाके बुलेट ले। अच्छा जबान मत चलाओ, पैर चलाओ। ये लो सामान का लिस्ट है, बाजार से लेके आओ। ठीक है बिल्कुल लाएंगे पापा, लेकिन खुशी के मारे पहले एक मूवी खाएंगे, पूरा गुच्छा खा लेंगे। अरे दरवाजा उधर है भाई। अरे अगरबत्ती रखने गए थे, लीजिए। पूजा करेंगे अगरबत्ती पकड़े हम। अबे बस 3 दिन काटना है यार, उसके बाद पापा को बता ही देंगे, और वैसे भी कौन सा नया है उनके लिए रिजल्ट। दिक्कत तो बस लाल चाव जतिनवा का है, दोनों आ रहा है यार, कुछ बकुक दिए तो बना बनाया मनाली का प्लान कैंसिल हो जाएगा। बे बोलो तो उठवा लेते हैं दोनों को। तुम एक काम करो, फिलहाल फोन उठाओ, हमको पैसा भेजो 212 रुपया, वो बैग का फॉर्म बनना है। हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क पूरा है पर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ हाँ साले पैसा का नाम सुनते ही तुम्हारा नेटवर्क चला जाता है, तुम ढेर कॉल बनेगा रमनवा। हेलो प्राइवेट टेबल पर एक टूर्नामेंट खेल लेते। अरे खुला ही था गेट, 2 घंटा पहले निकले थे, धनिया मिर्ची खरीद रहे थे कि बो रहे थे। अरे पापा पूरा जुम्मन चौक बंद था तो दूसरा गांव का खेत से खुदाई कोड़ के लाए हैं, एकदम देखिए ना पूरा ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश महक रहा है। ताजा ताजा न्यूज भी पढ़ लिया करो कभी, अखबार में रिजल्ट आया है। हे अखबार में रिजल्ट आ गया? यूपीएससी में चौकीदार का लड़का टॉप किया है, हमारा लड़का चौकीदार नहीं बन पा रहा। यूपीएससी है, सॉरी पापा। यू बेटर बी यूपीएससी, तो हमारा बेटा ही निकालेगा। आवे अरे लालचा, अरे खुश रहो खुश रहो। लेकिन यूपीएससी कैसे, आप लोग तो बिहार से है ना? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जतिनवा तुम्ही को तो सुबह से मिस कर रहे थे।
बड़का ब्याह का पैर नहीं छुएगा। मजाक बहुत। अरे चाचा आए हैं, कुछ चाय शरबत पूछो। अरे कहाँ चाय नाश्ता भैया। अरे कर लो। अरे नहीं मतलब खाना ही खिला दीजिएगा। सही कह रहे हैं, जैसे सूर्यास्त से पहले जलपान अगर हो जाता है तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। कैसे अच्छी रहती है ये अभिनव भैया बताएंगे। बताइए बताइए। अरे वो पापा ये हाँ क्या इधर से फोटोसिंथेसिस कर सुनो ना, तुमको वो सांप सीढ़ी का नया गोटी दिखा है उसमें से लाइट निकलता है। अबे आओ उससे पाचन क्रिया भी सही होता है। इधर आओ तुमको बताते हैं उसमें पता है क्या होता है। ऐसे खाओगे ना तो उसके बाद सुनो बे, जितने तुम्हारे अंदर सवाल उखड़ रहे हैं ना उसके लिए बाथरूम में जाके मुंह दो। कहे कि अगर फिर से एक बार मुँह खोले वहाँ तुम्हारा सला सांप डाल के गला पर खींच देंगे। समझे? समझ गया है ना, समझा पाचन कैसे होता है। वैसे ही पचा देते हैं पूरा। बड़े पापा बड़े उदास लग रहे हैं। कोनो मैसेज वैसेज आया क्या अभिनव भैया का? adda52.com ऑनलाइन पोकर में हैंड हार गए। फोल्ड कर देना चाहिए था लेकिन ब्लॉक के चक्कर में फंस गए हम। और तुम्हारा अभिनव भैया का हम मैसेज कभी पढ़ते नहीं है। कहे कि लाइफ में पता होना चाहिए कब फोल्ड करना है कब हैंड खेलना है। बहुत ब्लफ मारे हैं इन्होंने। तो ये तो बहुत बढ़िया खेलते होंगे। रोटी खाओ। खाली हारने में बढ़िया है ये। दिमाग चाहिए होता पोकर खेलने के लिए। इनके बरा गोबर। गोबर की बात चल रही है। अरे गोबर से याद आया भैया। अरे अभिनव इनका कुकिंग वुकिंग को अपना गोल बना लिए हो का? गोल गोल बाबू साहब पिछली बार किए थे 4 साल पहले फुटबॉल में दूसरा टीम के लिए। ले अरे कुछ अच्छा बात करते हैं खाने के टाइम पे। जतिन तुम अपने बारे में कुछ भी बताओ। अरे बड़े पापा सेकंड ईयर का एग्जाम दिए थे तो उसमें 95% नंबर आए। चलो राइस लो भैया। हमने तो बस सीधा सीधा बोल दिया था कि 95% से एक को नंबर अगर कम आया हमको बाप बोलना बंद कर देना है। काहे लालचा, कॉलेज का टेस्ट था, डीएनए टेस्ट थोड़ा ना था जो बाप नहीं बोलेगा। बोलिए पापा। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया भैया, बस इसमें अगर थोड़ा नमक डाला होता थोड़ा पका होता मजा आ जाता। भैया थर्ड ईयर से है ना, आपके लिए एक तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत पूछते हो तुम। अभी क्वेश्चन हम पूछेंगे और तुम बताएगा। हम बड़का भाई अंजरे तो बताओ आइंस्टीन के घर में कभी बेल काहे नहीं था? बिकॉज ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फिक्शनल एंड बस बस रह जाओ जो रामलिंगम छोड़ो। लालचा आप बताइए। मतलब हमको पता है पता है जानते हैं हम, वो पेट में है दिमाग में है बस वो जबान पे नहीं आ रहा। पापा हम बताते हैं, कहे कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिलना था ना। रोटी नरम बनाया नहीं पापा? हमारा हाथ बिल्कुल नरम नहीं है, बेल बजा देगा तुम्हारा। जो इतना पानी पी रहे हो डायपर साटे हो कि नहीं? भैया सुनने में आया है कि आपका रिजल्ट आया है। सुनने में बहुत आता है लालचा, सुनने में बहुत आता है। हमको भी सुनने में आया भागलपुर में भैंसिया कबूतर को जन्म दिए। हम तुमसे कभी बोले कंफर्म करके आओ। तो भैंसिया और कबूतर हमारे आईटी से नहीं लिए ना परीक्षा? आप दिए ना परीक्षा? आपका आया ये देखो दिखाते हैं। ये देखो नहीं तुम हमको भी बता रहा है। पता नहीं पापा देखते ना पापा जैसे तुम बहुत पतला हो गया। लो खाओ। अरे 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 तुम देखो रिजल्ट देखो अभी देखो। अरे पापा हैंग कर गया देखिए। ये जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन हैंग कर जाता है। हम थोड़ी ना देखो इसमें हम देख देते हैं। रोल नंबर बोलो भैया। रोल नंबर कुछ अल्फा से था। 94 14 17 14 टीचर सबसे लड़ाई कर लिए थे क्या भैया? पापा गुस्सा निकाला है लोग पता नहीं इतना नंबर काटा है। हम पूरा मन लगा के पढ़ाई किए थे बहुत काट लिया है। 8% काटे हैं 92% दे दिए। 92 90 92। अरे ठीक से देखो 8% मिला होगा। नहीं 92 ही है। क्या पूरा किताब लेके बैठे थे क्या परीक्षा में? दिखाओ इधर। अरे 15 देखे हो 14 देखना है। एक मिनट। अरे जतिन छोड़ो ना खीर। अरे बिना भैया के 2 सब्जेक्ट में बैक है और बाकी 4 फेल। धन्यवाद। दिखाओ दिखाओ
टेक्निकल मिस्टेक होगा, कुछ नाम भी हमारा ही है। पापा पक्का इसमें ना कोई टेक्निकल मिस्टेक किया है, हमें काम करते हैं उसको मिल के आते हैं और खुद चेंज करा के आते हैं। ओए सुनो, कहाँ जा रहे हो? लकड़ बग्गे ऐसा शक्ल है, गधा ऐसा दिमाग है, चले शेर खान बनने। बैठो चुपचाप, हम बाप है, तुम कोशिश कर रहे हो। अरे बैठो बैठो बेटा, इस उम्र में हाथ नहीं उठाएंगे भैया तुम पर। खैर का हम कुछ कह नहीं सकते हैं। खैर भैया, इतना पैसा लगाया, इतने साल डोनेशन दिया, मजिस्ट्रेट की सिफारिश किया, इतना शर्मनाक घटना होने के बाद ना भैया, अगर जतिन होते तो उनको तो हम घर से निकाल देते। तुम्हारा पढ़ाई हमको उसी दिन बंद कर देना चाहिए था जिस दिन इतिहास का किताब में अकबर का आंख पर पट्टी बना के उसको जैक स्पैरो बना दिए थे। और घर से तो हम निकाल दें इनको, लेकिन दो दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे अपने पैरों पे। अरे ठीक है ना पापा, नहीं रह पाए 95%, लगा लिए 2 सब्जेक्ट में बैक और 4 में फेल। लेकिन पापा हम 95% लाके भी क्या कर लेते, कौन इंजीनियर को नौकरी मिल रहा है अभी? और आपको ना बेटा नहीं चाहिए, आपको चाहिए नंबर बांटने वाला मशीन जो ऐसा आपको सैलरी दिखाए, बड़ा बड़ा नंबर दिखाए। और ठीक है चाचा, हम ना जा रहे हैं। अरे बेटा सही कहते हैं आप, ना हम यहाँ पे रहेंगे ना कोई प्रॉब्लम होगा। अरे बेटा, अरे नहीं रोको नहीं, पहली बार अच्छा आइडिया है, जाओ जाओ। अरे नहीं, हम तो कह रहे थे भैया कि अब अपने अपना भैया जो है सेल्फ डिपेंडेंट होने जा ही रहे हैं, तो बटुआ लेके जाने की क्या जरूरत है हैं भैया? इनके पास भी कहने के लिए होना चाहिए ना कि भाई 50 रुपया लेके शहर आए थे, लाओ ना बटुआ। ला बटुआ देंगे तब ना, 1 महीना में 10 रुपया देते हैं। आपको पता है, आपको पता है आज से 10 साल पहले रॉकस्टार रणबीर कपूर भी घर छोड़ के गया था और आप सब नतीजा देखे कि क्या हुआ। हम भी पापा एक बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, उसके बाद बुलाने से भी नहीं लौटेंगे। ओ नादान परिंदे, चल जा जा। तुमको देखेंगे बेटा। हाँ, खानदान का नाक कटा दिया भैया। भाई 2 दिन से ज्यादा नहीं रख पाएंगे, यहाँ पापा रेंट लेते हैं। तुम टेंशन क्या ले रहा है बे, पूरा प्लान सेट करके आए और तुमको पता है सही टाइम पे निकल गए, वरना 1 मिनट वहां रहते ना तो कुटा जाते। दोस्त हमारे रहते तुमको कोई नहीं कूटेगा, जानते हैं बे, तभी तो तुम्हारे पास आए। और तुम देखो ना, अभी 20 मिनट रुक जाओ, देखना कैसे फड़फड़ाते हुए पापा कॉल करेंगे। देखो देखो, करें करें भाई। अबे अबे, हमसे बात करने में शर्मा रहे हैं, उठा उठा। हेलो अंकल। हाँ रमन बेटा, वो फोन स्पीकर में तो नहीं है ना? नहीं नहीं अंकल। मतलब है तो अभी ना तुम रमन के घर जा पहुँचे? ये वही है ना जिसका नाम तुम फोन पे काला नाग के नाम से सेव किया है, ये कहा था कि वो अकेला पढ़ के एग्जाम में पास हो जाता है। और तुम तो उस दिन कह रहा था कि तुम जब भी उसके घर जाता उसका बहन तुमको देख के बहुत स्माइल करता है। दोस्त का बहन के बारे में ऐसा बात करने से पहले तो जीप जला लेना चाहिए, लाइटर तो हो गए तुम्हारे पास। आज मुसीबत के वक्त वही दोस्त काम आ रहा है जिसके बारे में तुम उल्टा सीधा बोलते फिरते थे, है ना? अरमन बेटा, तुम्हें मम्मी को बवासीर था, वो ठीक हो गया का? बवासीर? भाई पापा बवासीर का बोले आप क्यों पूछो बोल रहे हैं, रमन ऐसा नहीं बोले। अरे नहीं तो बोले थे कि रमन की मम्मी को बवासीर का ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लेके जाना है। झूठ बोले थे का? बहुत निर्लज्ज। अच्छा सुनो, हम तुम्हारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आधार कार्ड सब ब्लॉक करवा दिए। और हाँ, सोने से पहले एक बार व्हाट्सएप जरूर चेक कर लीजिए। गुड नाइट, सबका खैर, स्वीट ड्रीम्स। एक सेकंड, बीसी घर से निकलवा दिया। हाँ मेरे बाप को भी कॉल किया था इसका बाप। छा बीसी तुम मिलकर, छा डोंट डिजर्व दिस ग्रुप। अरे कहा छुपाइए एमसी। ये था पहला एपिसोड बाप बाप होता है मिनी सीरीज का। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों को जरूर दिखाइए। और गाइस क्या लगता है आपको, क्या होगा अभिनव के साथ अगले एपिसोड में, ये हमें कमेंट करके बताओ। और गाइस इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ चैलेंजिंग करना है तो अभी डाउनलोड करो adda52.com ऑनलाइन जोकर, डाउनलोडिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। काफी एक्साइटिंग गेम है ये, और जो लोग इसे खेलते हैं ना वो एक अलग ही लीग में। तो गाइस डाउनलोड करो और लाइफ को एस करो। एंड गाइस अगर आपको अगला एपिसोड फटाक से चाहिए तो एक काम करो, जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो सारे गली मोहल्ले में, और सब्सक्राइब करो
www.taskreenpatti.com पोकर के खेल को जिम्मेदारी पूर्वक खेले जाने की अनुशंसा करता है और इसे व्यसन बनाए जाने के पूर्ण विरोध है। उत्तरदायित्वपूर्ण खेल संबंधित हमारी पॉलिसीज की जानकारी www.adda52.com/responsible gaming पर और उपयोग संबंधित अन्य नियमों व शर्तों की जानकारी www.adda52.com/terms of use पर विस्तार पूर्वक उपलब्ध है।